देखो गाइस, ये है रुद्राक्ष का पेड़ और ये तो उनका तना है। मैं आपको हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। आप लोगों का प्यार जो मेरे वीडियोस को मिल रहा है, मुझे उससे और ज़्यादा मोटिवेशन आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आपको मेरे वीडियोस बहुत पसंद आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। एंड अगर आप नए आए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे एक बेल आइकन है उसको प्रेस कर लेना कि आने वाले सारे व्लॉग्स आप देख सको। तो ये जो आप अभी आप देख रहे हैं, ये है जानकी सेतु। हाँ, हम ऋषिकेश में हैं। पहले की सीरीज़ जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, दो व्लॉग्स हैं। तो अभी मैं आपको ऋषिकेश का पूरा टूर नहीं करा रहा क्योंकि वो सब आप मेरे पहले व्लॉग्स में देख लेंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया, एक जो कहते हैं सनातन धर्म का जो एक तरह से जो पसंदीदा चीज़ होती है, जो उसका दिल होता है, हमारे आश्रम्स जिसके लिए ऋषिकेश फेमस है, उसमें से आज जो ऋषिकेश का वन ऑफ द बेस्ट आश्रम है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये आप देख रहे हैं मेरे सामने जानकी सेतु। इसका निर्माण इसलिए हुआ था बिकॉज लक्ष्मण झूला बहुत पुराना हो गया था, उनका लाइफ टाइम लाइफ जो था वो ख़त्म हो गया था। तो उनको वापस से ये करके बनाया जा रहा है, वापस से तोड़ के बनाया जा रहा है। वो भी बहुत प्यारा बन रहा है, किसी दिन दिखाएंगे आपको। तो ये जानकी सेतु है क्योंकि राम झूले पे पूरा लोड आ जाता, तो इसलिए जानकी सेतु को बनाया गया। तो बीच में गंगा जी बह रही हैं बड़े कलकल की आवाज़ के साथ में, और उस साइड ऋषिकेश है और इस साइड भी ऋषिकेश ही है, बट ये स्वर्ग आश्रम वाली जगह इसको कहा जाता है। जब आप ब्रिज क्रॉस करके यहाँ पे इस साइड आएंगे तो ये स्वर्ग आश्रम वाली जगह है। और यहाँ से जो मैं आपको आश्रम में लेके जा रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड परमार्थ निकेतन आश्रम, वो यहाँ से मुश्किल से 10 से 15 मिनट का वॉक टाइम है। तो आप बड़ा एन्जॉय करके यहाँ से वहाँ जा सकते हो। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि इस वीडियो में और अगर आप जाएंगे तो इस रास्ते में आपको बोरियत नहीं होने वाली, बिकॉज इतने ज़्यादा माइंड टेकिंग, जितना हार्ट टेकिंग व्यूज़ हैं, नज़ारे हैं। गंगा जी हमारे उल्टे हाथ की तरफ बह रही हैं और हम यहाँ पे चले जा रहे हैं ये चीज़ों को देख के। गंगा जली जिसमें भर के हम लोग जल ले जाते हैं। और ये देखिए, माँ गंगा ऋषिकेश में बहुत ही पावन जल है, और ऋषिकेश के जल को तो बहुत ही ज़्यादा पावन कहते हैं बिकॉज पहाड़ों से जो प्लेन्स में आगमन होता है माँ गंगा का, वो ऋषिकेश में होता है। और ऋषिकेश के घाटों की जो आरती है, स्पेशली जो संध्या आरती है, उनकी जो इम्पोर्टेंस है, वो गाइस मुझे बोलते हुए ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मैंने वो फील किया हुआ है कि ऋषिकेश एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे मतलब मन और तन दोनों को बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है, पीस मिलता है। तो ये देखिए, वेंडर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप खाने की चीज़ें भी हैं बहुत सारी, आप खा सकते हैं। पूजा पाठ का बहुत सारा सामान जो आप लेना चाहते हैं, तो वो सामने जानकी सेतु है, ये माँ गंगा है, और हम जा रहे हैं अपने सीधे हाथ की तरफ, ये यहाँ से सीधे जो कि हमको लेके जा रहा है परमार्थ निकेतन। तो परमार्थ निकेतन जो जानते हैं गुरुजी ने बनाया है, और वहाँ पे बहुत ही अच्छी आरती होती है। और शंकर, जो शंकर भगवान की जो मूर्ति है, जो ऋषिकेश, अगर वो दिखाए मूर्ति और एकदम लगे कि अरे ये तो ऋषिकेश है, सबको पता है, तो वो परमार्थ निकेतन में ही है। सामने वहाँ पे रोज़ आरती होती है और वो परमार्थ निकेतन वाले ही ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आइए, कीवीज खा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग, चाट और फ्रूट्स और बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। तो देखिए, मुझे लगता है मुश्किल से हमको 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे चलते हुए और हम पहुंच गए हैं परमार्थ निकेतन। और हमारे साथ हैं गाइड जो आपको यहाँ सारे आश्रम के बारे में बताएंगे। हमने स्पेशली इनको किया है
टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस। और यहाँ पर बच्चों को शास्त्रों की शिक्षाएं भी दी जाती है। अंदर बहुत सुंदर सा आश्रम है परमार्थ निकेतन आश्रम। यहाँ पर योगा फेस्टिवल का आयोजन होता है। प्रतिदिन सुबह में योग गंगा आरती, इवनिंग में गंगा आरती, भजन कीर्तन सत्संग भी चलता रहता है। यहीं पे G20 का डेलीगेट्स जो आए थे यहाँ पे गंगा आरती में, यहाँ डाइनिंग एरिया भी था वहाँ उनका सामने। बहुत सारे पॉइंट्स हैं यहाँ अच्छे से, सुंदर सा आश्रम। यहाँ के सबसे सुंदर आश्रमों में से शुमार है परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश। जब आइए तो परमार्थ निकेतन जब आप तक नहीं घूमे तब तक आपका ऋषिकेश घूमना ही पूरा नहीं होता है। बहुत सुंदर आश्रम है। अंदर शीश महल है, द्राक्ष का पेड़, कल वृक्ष भी है देखने के लिए, भगवान विष्णु के 2400 अवतार देखने के लिए। अभी अंदर चलेंगे। हाँ, नवरत्न, यहाँ नवग्रह मंदिर भी देखने के लिए मिल जाता है। हॉल में लगाया गया बड़े वाला पेड़। अच्छा, मतलब पहले पेड़ होगा फिर हॉल बना दिया होगा। हाँ, तो ये यज्ञ स्थल है, नवग्रह मंदिर है। हाँ, चारों तरफ यहाँ भगवान कृष्ण के 2400 भी देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। अभी देखो श्री बारह अवतार। जय श्री राम। बहुत ही प्यारा मंदिर है, बाहर से मुझे लगता नहीं था इतना बाहर से तो ऐसा लगता था कि छोटा सा है। कैलाश खेर जी ने भी एक से पढ़ाई थे। अच्छा, परमार्थ निकेतन आश्रम से जो भारतीय म्यूजिक में शायद पद्म विभूषण से नवाजे गए हैं। वाह यार, कैलाश खेर जी। हाँ, आते रहते हैं सप्ताह में या फिर यहाँ ऊपर से, वहाँ से साइड से दिखेगा। अच्छा, देखो गाइस, ये है रुद्राक्ष का पेड़ और ये तो उनका तना है। मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ, तो ये देखिए, ये है रुद्राक्ष का पेड़, ये वाला पेड़। ये ठंडे प्रदेशों का वृक्ष है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बिग साइज में, थोड़ा ऊपर जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा छोटा, इसकी हाइट छोटी होती जाती है हिमालय में। यस, आ जाओ सब। ओए, खेलना नहीं आना, ये पूजा की जगह है। ये रुद्राक्ष का पेड़, बड़े ही भाग्यशाली हैं जो हमें ये देखने को मिला। अगर आपको सात्विक खाना खाना है तो ये सबसे बेस्ट जगह है। ये कैंटीन है यहाँ पे और बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे फूड मिलता है। ये देखो गाइस, ये है रुद्राक्ष का पेड़, ये छोटा है और ये बाबा के चरणों में लगाया हुआ है। ये हमारे महादेव, और मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। उस साइड भी है चंदन? नहीं, वो दोनों साइड पेड़ है वहाँ पे, एक इधर के साइड है और एक उधर के साइड है। वो शिव जी के जस्ट पीछे लगाया गया, देख रहे ना, उधर के साइड है और इधर के साइड। अच्छा, वो जो ग्रे उधर वाला दिखाओ। ये गार्डन एरिया यहाँ का बहुत ही खूबसूरत है। पेंटिंग पेंट मतलब मेंटेनेंस चल रही है यहाँ पे। ये वाला जो है ग्रीन, ये वाला है ना। ओके, दैट्स गुड। हाँ तो जी, ये थे हमारा परमार्थ निकेतन के अंदर के दर्शन। तो चलिए अब आपको सामने लेके चलते हैं। जो सामने आपको जगह दिख रही है, ये आरती स्थल है जहाँ पे रोज गंगा माता की आरती होती है, और जो संध्या आरती होती है वो तो बहुत ही प्यारी है। तो अगर आप ऋषिकेश आएँ तो ये चीज़ मिस मत करिए। और ये देखिए, ये सेवक खड़े हैं यहाँ पे, बराबर में ही मंदिर है और हनुमान जी की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई हुई है, जिनके मन में श्री रामचंद्र जी की प्रतिमा दिखाई हुई है। तो ये वहीं पर ही मंदिर है, बिल्कुल प्रमाइसिस के अंदर ही है, और बहुत ही प्यारा और बहुत ही भव्य
मूर्ति है, तो आपको, हाँ आप देखिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी विशाल ये मूर्ति है यहाँ पर। तो अगर आप फैमिली फ़ोटो वगैरह लेना चाहें तो ये बहुत एक प्यारी सी जगह है। तो यहाँ मंदिर बंद है अंदर, तो ये सारा प्रमाइसिस है। लेकिन यहाँ से अब आप इस प्लेटफॉर्म पे भी जाके शाम को आरती के दर्शन कर सकते हैं। वो देखिए शंकर बाबा बैठे हुए हैं, और ये है गंगा माँ ऋषिकेश में। ये देखिए, ये एक पहचान है ऋषिकेश की, ये शंकर भगवान की जो मूर्ति है। ये जब आपको याद होगा केदारनाथ जी में बहुत ही विपदा आई थी, तो इतनी विपदा थी वो यहाँ पे इतना जला गया था कि ये मूर्ति बह गई थी। तो यहाँ पे ये दूसरी मूर्ति बनाई है, और ये है आरती का स्थल। यहाँ पे ये सब जगह शाम को आपको प्रॉपर बैठने का अरेंजमेंट्स होते हैं। यहाँ पे मंत्रोच्चारण, हनुमान चालीसा का जाप और बहुत सारी चीज़ें गंगा आरती के साथ यहाँ पे होती हैं। तो ये सारा आपको शाम को बिल्कुल भरा हुआ मिलेगा, बिल्कुल भरा हुआ मिलेगा। तो अगर आप आरती का आनंद लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम से चले जाइए। और ये हवन कुंड है, यहाँ पे शाम को हवन होता है। और थोड़ा सा 360 में आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ मैं घंटों बैठ सकता हूँ और घंटों बैठता भी हूँ मैं। तो अभी जो आप वीडियो में देखेंगे तो बस उतनी ज़्यादा लंबी मैं नहीं बनाता वीडियो, बिकॉज़ बहुत लंबी और बोरिंग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम घंटों बैठते हैं, घंटों, और इतना प्यारा लगता है यहाँ पे कि क्या बताएं आपको। मतलब ये तो आपको खुद ही फील करना पड़ेगा आने के बाद, क्योंकि मैं सिर्फ बता सकता हूँ। और ये अनंत एंजॉय करते हुए, अब यहाँ पे हमारा फैमिली टूर है। और ये दर्शन करने के बाद आप बिल्कुल बराबर से ये रोड जा रही है जो फ्रॉम जानकी सेतु से राम झूले तक जाती है। और यहाँ पे इतनी अच्छी मार्केट है, इतनी अच्छी मार्केट है कि मुझे लगता नहीं कि कोई भी ऐसा स्टेज होगा लाइफ स्टेज जहाँ जिसके लिए ये मिलता ना हो। तो ये हर लाइफ स्टेज के लिए ये मिलता। तो देखिए बिल्कुल बराबर से, और यहाँ पे पूजा पाठ से रिलेटेड आपको जो भी कुछ चाहिए, जो भी कुछ चाहिए वो आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, इंक्लूडिंग खाने पीने की चीज़ों के साथ। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया आप चाट वगैरह खा सकते हैं, रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छे हैं जिनके पीछे के, अगर एम्बियंस की बात करूं कि अंदर जाके अगर आप पीछे, उन्होंने बैठने की जगह बनाई हुई है, तो गंगा मैया के इतने प्यारे दर्शन हैं। तो मतलब यहाँ के जो रेस्टोरेंट्स हैं तो उसमें भी आप पता नहीं कितने टाइम तक बैठे रह सकते हैं। मेरा पूरा पूरा दिन निकलता है सिर्फ इसी जगह पे। तो मैं जब भी जाता हूँ मेरा पूरा पूरा दिन सिर्फ इसी जगह पे चले जाता है एंजॉय करते हुए। और यहाँ पे आपको जो डिवोशनल बुक्स हैं, तो जो बुक गोरखपुर वालों की जो दुकान है, तो गीता प्रेस वालों की जो दुकान है, जो शॉप है, वो बहुत बड़ी शॉप है यहाँ पे, जहाँ पे आपको किसी भी तरह की जो माइथोलॉजिकल हिंदू सनातन धर्म से रिलेटेड जो है उस वो बुक्स, बहुत अच्छी बुक्स अनंत आपको मिल जाएंगी, अनंत जो स्पेशली बच्चों के लिए भी बुक्स हैं कि डेली हैबिट्स क्या होनी चाहिए और क्या हमारा सारा का सारा ये सनातन धर्म है और कैसे बना और क्या इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं। और बहुत ही प्यारी प्यारी शॉपिंग्स हैं यहाँ पे, बैग्स हो गए, और बीच बीच में गंगा मैया के दर्शन होते रहते हैं, जहाँ पे आप आराम से थकने के बाद स्टेयर्स पे उतरिए, चाय का कप हाथ में लीजिए और बैठिए और दर्शन करिए। और अगर आपका गंगा स्नान करने का दिल है तो बहुत ही अच्छे प्यारे सुंदर साफ पवित्र घाट हैं, तो आप किसी भी घाट पे गंगा स्नान कर सकते हैं। गंगा स्नान की जगह बनाई हुई, और ये देखिए दोनों तरफ आप बहुत ही प्यारा सामान ले सकते हैं। तो मतलब रुकेंगे ही रुकेंगे आप, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ से अब सीधा आप वॉक करते करते सीधा का सीधा आप राम झूले पे पहुँच जाएंगे, मुश्किल से 15 से 20 मिनट में अगर आप लगातार चलते हैं तो। वरना तो इस रास्ते को क्रॉस करने में
हमें दो घर दो वाले तीन तीन चलो। घंटे भी लगे हैं, भीड़ की वजह से नहीं, रुकने की वजह से, जहाँ पे हम लोगों ने रुके हैं और ये अनंत मम्मा का जी रुको रुको रुक जाओ मस्ती अनंत रुक करते हुए। जाओ। तो यहाँ पे अगर आपको मेटल्स, ब्रास और अष्ट धातु की भगवानों की प्रतिमा भी लेनी है वो भी ले सकते हो, हर तरह के बीड्स हैं वो भी आप ले सकते हो, जो लोग ये रहा इनके यार बारे में जानते हैं। विवान इधर चलो साथ में और इसके बहुत साथ रहो ही बेटे अलग नहीं जाना। रीज़नेबल रेट पर हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो इस पूरी जगह को जैसे मैंने बताया स्वर्ग आश्रम है, तो यहाँ पे स्वर्ग आश्रम वालों की भी कैंटीन है, जहाँ पे आपको देसी घी की जलेबी, आलू पूरी और बहुत सारी प्यारी प्यारी चीज़ें, उनकी मिठाइयाँ जो कि बहुत रीज़नेबल रेट पे होती हैं, वो आपको बिल्कुल मिल जाएंगी। और वो राम झूले के एकदम बराबर में अनंत ये अनंत कैंटीन है। तो देखिए यहाँ पे चाय की टपरियाँ बहुत हैं, तो आप देखिए ये मैं वो मूर्तियाँ हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, तो शंख ले सकते हैं। और ये गंगा मैया के दर्शन, कहीं पर भी उतर इसके जाइए और नीचे के लिए आपको जब चरणों बस में है यहाँ तो से तुलसी लगाना। ये देखिए, ये है वो गोरखपुर वालों की दुकान जो मैं अभी बात कर रहा था, जहाँ पे आपको डिवोशनल बुक्स मेरे हिसाब से आपकी डिवोशनल बुक्स मिल जाएंगी हर लोग तरीके की। अंदर गए हैं क्या? यहाँ पे गीता भवन भी है, तो यहाँ पे अंदर जाके आप बहुत प्यारे विष्णु भगवान माता जी के दर्शन है, लक्ष्मी माता जी के, वो भी आप कर सकते हैं। और बस पास में ही राम झूला है, तो कोई किसी तरह का व्हीकल करने की ज़रूरत नहीं है, एंजॉय करिए, आराम से वॉक करिए, एक सनातन वॉक है। और इना जी आप देखिए ढोलक लेने के लिए चल दिए हैं। कच्ची नहीं मजबूत चीज है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, भक्तों, मेरे सब्सक्राइबर्स, ये एक डिवोशनल टूर मेरा यहाँ पे ख़त्म होता है। और उम्मीद करता हूँ कि जो दिल से मैंने आपको बताया और दिखाने की कोशिश करी वो आपको पसंद आया होगा। तो यहाँ पे मैं आपको गंगा माता के दर्शन करने के लिए छोड़े जा रहा हूँ, जब तक हम अगले व्लॉग में मिलेंगे और आपस में प्यारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे, या मैं आपके लिए कुछ नया लेके आऊँगा। और वो देखिए वो सामने राम झूला है, तो ये देखिए ये राम झूला है, तो आप एंजॉय करिए व्यूज़ को। थैंक यू सो मच, जय माता दी, जय हिंद, थैंक यू सो मच। अब बस अपना प्यार बनाए रखिएगा, गंगा मैया की जय और भोले भंडारी बाबा की जय।